नमस्कार, मेरा नाम हरविंदर सिंह गरेवाल है। आई एम ऑनर ऑफ गरेवाल पेट शॉप एंड फार्म। हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि डॉग के कान कैसे साफ किए जाएं। एक्चुअली मेरा एक वीडियो है पहले ऑलरेडी स्मेल के ऊपर, लेकिन उसमें मैंने थोड़ा दिखाया है, समझाया है डॉग के बारे में कान कैसे साफ किए जाते हैं। लेकिन कुछ फ्रेंड्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप डेमो देकर बताइए कि छोटे ब्रीड या बड़ी ब्रीड या छोटे कान या बड़े कान या जो कान क्रॉप किए हुए हों तो उसको कैसे अच्छी तरह साफ किया जाए। तो मैं आपको आज थोड़ा सा एक छोटा सा डेमो देकर वो सब बताने की कोशिश करूंगा। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे जो ब्रीडें छोटे कानों वाली होती हैं, जहाँ जिसमें हम क्रॉप करके क्रॉपिंग करने के बाद पिट बुल, अमेरिकन बुली या पाकिस्तानी बुली। तो वो मेरे फ्रेंड्स एक डॉग है अमेरिकन बुली, काफ़ी अच्छा। अब मैं उसको पहले बताऊंगा कि डॉग के क्रॉपिंग कैसे की जाती है। कमान अमेरिकन बुली, और मैं आपको बताऊंगा कि ये कान इसके कैसे हम अच्छी तरीके से साफ कर सकते हैं, जो भी स्मेल ना इसके आए। अब मैं हेल्प चाहता हूं अपने फ्रेंड की। ये कुछ प्रोडक्ट है इंटास कंपनी का। एक्चुअली हाउ टू डू इट दैट मैं आपको ये स्टार्ट कर देता हूं। इसको कैसे यूज किया जाता है, ये एक लगभग हाइड्रोजन टाइप की कुछ लिक्विड टाइप है। ये डॉग के कानों में ऐसे उठाकर उसको थोड़ा सा डालना है और उसको रोक कर रखना है खाली 2 या 3 सेकंड के लिए। उसके बाद आप इसको निकाल सकते हो, और अगर आपके पास कुछ भी हो जस्ट लाइक ए टिश्यू पेपर और कॉटन, आप इसके साथ बाद में उसको या सॉफ्ट कपड़े के साथ साफ कर सकते हो। और उसके बाद ये एंटीबायोटिक आएगा, दिस इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये साफ करने के बाद डॉग के बाद में कान के अंदर ऐसे डालना है इस तरफ जो पहले हमें साफ किया हुआ, और ये साफ नहीं करना है, इसके अंदर रखना है इसको थोड़ा रोक कर, और ये साफ नहीं करना है। वैसे ही बिल्कुल दूसरी तरफ, अगली तरफ सर इसको प्लीज सर, बिल्कुल दूसरी तरफ भी ऐसे ही पहले हाइड्रोजन टाइप जो लिक्विड है, परेशान ना हो प्लीज, उसको अच्छी तरह दबाकर साफ कर एंड देन उसको साफ कर दीजिए। फिर ये जो एंटीबायोटिक है उसको डालिए, और ये साफ नहीं करना है। आप ऐसा 5-10 मिनट रखोगे तो आपका डॉग आपको कोई भी स्मेल कोई कुछ नहीं आएगा। और जैसे आपने देखा कि कैसे मैं अमेरिकन बुली के काम साफ किए क्लीन किए, आप इसी तरह बड़े कान या डॉग छोटे कान, वो जो दवाई आती है वो मैं दिखाना चाहता हूँ, ये बहुत सारी कंपनियाँ अलग अलग बनाती है, लेकिन मैंने ये वाली यूज़ की। ये वाली जो कान में पहले डालकर उसको साफ करते हैं कॉटन के साथ, टिश्यू पेपर के साथ या किसी सॉफ्ट कपड़े के साथ, और बाद में जो डालना है एंटीबायोटिक। ये आपको अलग अलग कंपनी, ये कंपनी भी आपको मिल जाएगी आराम से। ये इंटास कंपनी का प्रोडक्ट है, काफी अच्छा है। ये पील कंपनी का है। ये जो प्रोडक्ट है मैंने अभी कान एयर क्लीनिंग के लिए यूज़ किए हैं, ये आप देख सकते हो इसका रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट नहीं मिल रहा तो कम से कम ये सॉल्ट आपके यहाँ एरिया में किसी और कंपनी का मिल जाएगा। तो प्लीज़ माय फ्रेंड, एक गर्मियों के सीज़न में कान साफ करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि डॉग को नहलाना, क्योंकि उनमें से भी बैड ब्रेथ ब्रेड स्मेल आती है जितनी कि माउथ से बैड ब्रेथ आती हो। मैनी थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, आपका बहुत 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 थैंक यू। हमारा अभी ऐप भी है, प्लीज़ मेरे फ्रेंड्स, अभी भी मेरे कुछ फ्रेंड्स वो ही रिक्वेस्ट क्वेश्चन या वही वो बात पूछ रहे हैं जिनके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो प्लीज़ मेरा ऐप बोला चोला प्ले स्टोर पर जाकर जरूर डाउनलोड कीजिए। एक बार वो अगर वीडियो आप देख लोगे, आप लगभग हर एक बीमारी जो डॉग की अकॉर्डिंग टू वेदर है उसके बारे में आपको 90% नॉलेज मिल जाएगी, और आपको मालूम होगा कि डॉग को कैसे बेटर तरीके से हैंडल करना है। हमारा एक वेबसाइट भी है www.bholashola.com, इस पर आप घर बैठे हर एक चीज डॉग की ऑर्डर कर सकते हो, आपके होम डिलीवरी हो जाएगा। प्लीज हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर कीजिए, आपको जो भी चाहिए डॉग की हर एक चीज आपके घर में डिलीवर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑलवेज।